जी मैं राम निवास गाँव खरक पांडवा डिस्ट्रिक्ट कैथल से हूँ। सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं क्योंकि 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन रहता है? भाई साहब 10 महीने बहुत कम है, जे 24-25-30 आगे भी बैठ रहे नहीं, बैठ रहे मारा के नाज मारा घर का, हमने पैदा करना है, हमने खाना है, खाए जाएंगे रुके कह लिया है, ये तो समस्या होनी खट्टर पटरी नहीं, संभालो अपना काम ने, हमने कह लिया है क्या क्या नहीं, नाज मारा आराम हो खाने वाले, ना ही पब्लिक को परेशानी है, ना ही जो वहाँ रोड, यहाँ देखो रास्ता खुला है बुधवार को रास्ता, आवाजाही के लिए हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम करो। दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहेंगे? भाई दुष्यंत चौटाला की हनावा हो जिस टाइम इलेक्शन आया था नहीं पाछा है, उन्होंने कहा था बोलिया इनको 75 पार मैं जमुना पार कर दूंगा, वो कर दिया जमुना पार, उन्हें कहा जाए बैठा हमारी बहन का ब्याह कर दिया कैसा बुला उनका माहौल, ये वो अजय चौटाला फिर अभ्य वो अभ्य बोलिया ये तो गद्दार है फलाने में सारे सौदा एक सा है, हमने किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमारे तीनों काले कानून वापस कर दो, हम अपना ठहर अपने भांडे घर भेज जाएंगे। आपने सुना होगा दुष्यंत के पिताजी ने बयान दिया परसों, दुष्यंत के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा और ये काले जो कानून है वो रद्द नहीं होंगे, इसे संशोधन हो सकता है। ये तो अपना बचाव करते फिर हैं, इनका नो वरी करता हम योड़े बैठे पाओ जो 10 साल स्टैला काटाया हमने 10-20 साल काटने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो चाहते नहीं इन्हें जाना चाहिए वहाँ पर। देखो ऐसा भाई साहब जो JJP पार्टी है इनको वोट मिली है सिर्फ BJP के खिलाफ, मन भी दिया ना दिया वो हमारा पर्सनली मैटर है, मैंने वोट किसको दिया, लेकिन सिर्फ जो 10 सीटें आई है इसकी JJP की वो BJP के खिलाफ आई है, नहीं इसकी एक पर्ची भी नहीं आओ थी उठ के भी नहीं आओ थी भाई साहब, उन्हीं की गोद में जा बैठे ये। और फिर ये बोर्ड देखो लोगों का दुख तो इस बात का है, क्या कठिंदू गाँव है चौना हल्का में, उन्होंने जी जान से मेहनत करके एक वोट भी किसी का नहीं डलने दिया, सारा JJP पार्टी है, क्या उनको दुख नहीं होगा इस बात का? भाई सलाह मशवरा करो कहाँ जाना है, बैठे रहो भी उसमें क्या कह रही थी बहुत ही कुर्सी के लाल में बैठ गया, चलो ये मैटर कुर्सी का अपना मतलब नहीं, अपना तीनों काले कानून वापस हो जो हम अपना करा मैं अपना करा। सर नमस्कार, सर कहाँ से आए? मेरा गांव कोड़ेखा है डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम जो इस सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं उसका विरोध आपने पता ही है कि 10 महीने से लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। क्या लगता है आपको लगातार जो सरकार है 10 महीने से किसानों की बात नहीं सुन रही है, क्या जो धरना जो टोलों पर धरना लगाया जाता है ऐसे किसानों के कट करने से सरकार क्यों नहीं झुकेगी? आपने करने वाले भी नहीं देखा, कहती थी सरकार हम नहीं मानेंगे, वही सरकार है जिन्होंने करनाल में हमारे एक जो साथी शहीद हुआ था सुशील काजल उसको 25 लाख रुपये दिए, जो हमारे साथी घायल हुए उनको 2 लाख रुपये देने पड़े, जो हमारे साथियों के जिसके भी व्हीकल का नुकसान हो मुआवजा देना पड़ा, सरकार ने झुकना पड़ा, यहाँ भी झुकेगी? क्या लगता है लगातार सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, आपने कहा कि मुआवजा दिया गया, क्या किसानों को लाठीचार्ज किया जाएगा और मुआवजा दिलवाया जाएगा, यही किसानों की रीत रहेगी? नहीं नहीं हम ऐसे चुप भी नहीं रहेंगे, सरकार को हम चेताना भी जानते हैं, इसलिए हमारे सरकार से हम अनुरोध करते हैं क्योंकि हमारा आंदोलन इसलिए तो अब तक सफल है कि हम शांति प्रिय धरना देते आए हैं और शांति प्रिय ही कोशिश रहेगी, बस शांति प्रिय ही रहें। सर आप बताएं कहां से आए हैं? जी नमस्कार, मैं उझाड़ा गांव से आया हूं, सतीश पहलवान मेरा नाम है, और लगातार हम 10 महीने से किसान मजदूर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और आज चौधरी घासी राम जी की 4th पुण्यतिथि है, आज भारत के कोने कोने से यहाँ पर लाखों किसान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, बाहर के क्षेत्र से जो भी किसान साथी यहाँ पे आया है हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि जो नौजवान है इस आंदोलन में कितना योगदान है नौजवान? भाई साहब मैं आपको बता दूँ, नौजवान ही नहीं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हमारी माता बहन से लेके 36 बिरादरी कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में मजबूती के साथ खड़े हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आप मुजफ्फरनगर की महापंचायत में देख चुके हैं। तो क्या सरकार जो 10 महीने से किसान आंदोलनरत हैं उनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई, जो टोलों पर अभी किसान इकट्ठा होते हैं ऐसा कब तक चलता रहेगा? भाई साहब जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे, बात 10 महीने की नहीं चाहिए हमें 10 साल लगे, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में हमने BJP को धूल चटाने का काम किया, उसी तरह हम 2022 में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में BJP सरकार को भगाने का काम करेंगे, और 2024 में हम BJP को देश से भगाने का काम करेंगे अगर किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और MSP पे गारंटी कानून नहीं बना के देती। मनोहर लाल खट्टर को CM पद से हटाने की क्या चल रही है? देखिए हमारा मनोहर लाल खट्टर से कोई विशेष झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ तीनों काले कानून को लेके है, खट्टर को रखे या किसी दूसरे खट्टर को लेके आए या खट्टर की बहू दुष्यंत चौटाला को CM बनाए, हमारे को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सरकार चाहती है कि आंदोलन को जाति विशेष में बांट करके किसान मजदूर
जो सक्रिय जाति है, कहने का मतलब जैसे जाट नॉन जाट, गुज्जर नॉन गुज्जर, पटेल नॉन पटेल, ऐसे जातियों में बांटने का काम सरकार कर रही है। अब मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूँ, पांच सीएम बीजेपी सरकार ने बदले हैं और छठा सीएम यूपी में किसान बदलने का काम करेंगे।